राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती देश भर में मनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिमला में भी पार्टी कार्यालय राजीव भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर इन महान विभूतियों को याद किया गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकता और सद्भावना की प्रतिज्ञा भी ली और उनके बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि आज पूरा देश दो महान विभूतियों की जयंती मना रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया। उन्होंने सभी धर्मों, जाति और संप्रदाय के लोगों को एकजुट कर सत्य और अहिंसा के बल पर बड़े आंदोलन खड़े कर अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। महात्मा गांधी ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की शिक्षाएं और उनके बताए मार्ग आज भी प्रासंगिक है। कांग्रेस उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण लेती है। इसी तरह देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर जवान और किसानों की महत्ता बताई। पिता महात्मा गांधी जी की आज 153वीं जन्मदिन है। गांधी जयंती के रूप में पूरा देश और कांग्रेस पार्टी इसको सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रपिता देश के उन हीरो में थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और पूरे देश को, किसी भी धर्म और जाति और किसी भी क्षेत्र के लोग थे उनको संगठित करके ऐसे मूवमेंट्स तैयार किए जो ताकतवर अंग्रेजों के अधीन देश रहा सैकड़ों वर्षों तक, और उन्होंने अपने सिद्धांतों पे सत्य और अहिंसा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ा संदेश दुनिया को और समाज को उन्होंने दिया कि सत्य और अहिंसा के जरिए भी ताकतवर लोगों से लड़ा जा सकता है, और उन्होंने वो उसको प्रूफ भी किया। जो ब्रिटेन के शासक थे, ताकतवर थे, देश के लोगों ने उनकी आवाज के तहत इकट्ठे होकर आजादी की जो मूवमेंट चली देश में, और अल्टीमेटली उसमें जो है गांधी जी के आदर्शों की और सोच की जीत हुई। 1947 में जो है भारतवर्ष को आजादी मिली। तो गांधी जी की सोच आज भी कांग्रेस पार्टी उनके आदर्शों को, उनके सोच को, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। आज हम सब लोग कांग्रेस जन इकट्ठे होके गांधी जी के दिखाए गए रास्ते पे चलते हैं, उनके जो आदर्श है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी की आगे के लिए भी सोच है।